नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11वीं हिंदी का 8वां पाठ तटस्थ, इसका स्पष्टीकरण। इससे पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं वो वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। इस पाठ तटस्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, तो इनका परिचय देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं: त्यागपत्र, कल्याणी, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाप और प्रकाश, मेरे भटकाव, ए और वे, साहित्य और संस्कृति। अब विधा परिचय देख लेते हैं। तो हमारी जो कहानी है, हमारा पाठ है, इसकी विधा है कहानी। अब कहानी क्या है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। कहानी काल्पनिक होती है और साथ ही मनोरंजक होती है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, सीख देती है। अब देखते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में आपको अंत में बताऊंगा कि ये पाठ परिचय आखिर है क्या, इस पाठ में क्या बताया गया है, और आप शुरू में समझ भी नहीं पाओगे। जब पूरा पाठ आप वीडियो के एंड में सब समझ जाओगे कि इस पाठ में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं हमारी पहली कुछ पंक्तियाँ। एक गहन वन में दो शिकारी पहुँचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में वे बातें करने लगे। तो देखो, सबसे पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है गहन। गहन यानी कि बहुत घना, बहुत विशाल जंगल। देन आगे है शिकार की टोह में। टोह में यानी कि खोज में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत घना, बहुत गहरा जंगल था, जहाँ पर दो शिकारी पहुँचे। और शिकारी जो थे बहुत ही पुराने थे, वो बहुत समय से शिकार करते आ रहे थे, बहुत अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा जंगल आज तक कभी देखा नहीं था। और शिकार की खोज में जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे, और जंगल इतना बड़ा था कि उसे देख कर वे आश्चर्यचकित हो गए, डर गए, और आपस में बात करने लगे। एक बड़े से पेड़ के नीचे छाँव में दोनों बैठे, थोड़ा आराम करने के लिए बैठे और आपस में क्या बातें करने लगे। तो पहला शिकारी कहता है, वह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। तो दोनों शिकारी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आपस में यही बातें करने लगे कि जो ये जंगल है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही घना और बहुत ही भयानक, यानी कि बहुत ही डरावना जंगल है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो आराम करते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से चल जाते हैं। कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बर्ड से कहा, बर्ड दादा, अभी तुम्हारी छाँव में यहाँ एक कौन थे, वे गए। तो देखो यहाँ पर वो जो दो शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे और बातें क्या कर रहे थे कि ये जंगल बहुत ही भयानक है, बहुत ही घना, बहुत ही डरावना है। तो ये सारी बातें उनके वो पेड़ सब सुन रहे थे। देखो यहाँ पर पेड़ भी आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पाठ कहानी है। कहानी में कुछ भी होता है, कहानी काल्पनिक होती है। तो यहाँ पर भी पेड़ जो है वो उन दोनों शिकारियों की, दोनों आदमियों की बातें सुनते हैं, और फिर उनके जाने के बाद आपस में बातें क्या करते हैं। देखो कि जो दो आदमी थे वे कौन थे जो तुम्हारी छाँव में अभी बैठे थे। आगे देखते हैं, बर्ड ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा उन्हें। तो देखो यहाँ पर पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं कि जो दो इंसान देखो अभी तक पेड़ जानते नहीं कि वो इंसान है, वो जो दो सजीव व्यक्ति थे वो कौन थे। अभी तक जो हमारे पेड़ हैं वो सब इन बातों से अनजान है कि वे मनुष्य थे। यहाँ पर जो बर्ड का वृक्ष है वो सबसे बुजुर्ग है, वह सब जानता है, सबसे पुराना एक पेड़ है यहाँ पर। वो सारे जो दूसरे पेड़ हैं उनको कुछ बातें बताता है। तो दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था, इन्हें आदमी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बर्ड का वृक्ष है सभी लोग उसे दादा कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही बूढ़ा है। तो जो बर्ड का पेड़ है वो बाकी सभी पेड़ को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं इन्हें देखा था, और मुझे पता है कि इन्हें आदमी कहा जाता है। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे कैसे चलते कैसे हैं, अपने तने की दोनों शाखाओं पर ही चलते जाते हैं। तो वही यहाँ पर जो बड़ का बूढ़ा पेड़ है वो कहता है कि ये आदमी है, इन्हें आदमी कहा जाता है, और ये बहुत ही खास है क्योंकि इसमें पत्ते नहीं होते, इनमें सिर्फ
तने होते हैं और इनके दो तने होते हैं जिस पर ये चलते जाते हैं। दो तनों से मतलब है हमारे दो पैर जिस पे हम चलते हैं। तो बड का पेड़ यानी कि जिसे यहाँ पर दादा कहा जा रहा है क्योंकि सबसे पुराना और सबसे बूढ़ा है, वो बताता है बाकी के नए पेड़ों को। तो शीशम का पेड़ कहता है ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊँचे नहीं उठते क्यों दादा। तो एक सवाल पूछता है, ओछे यानी कि छोटा रहता है। तो शीशम का पेड़ कहता है कि ये लोग क्या इतने छोटे ही रहते हैं, हमारी तरह इतने ऊँचे बढ़ते नहीं है क्या। तो दादा कहते हैं, दादा यहाँ पर बड़ दादा यानी कि बड़ का जो पेड़ है वो कहता है हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती, बढ़े तो कहाँ पर, इससे वे उधर उधर चलते रहते हैं, ऊपर की ओर बढ़ना इन्हें आता ही नहीं, बिना जड़ ना जाने वे किस तरह जी रहे हैं। तो वही बड़ का पेड़ कहता है कि इनमें क्या होता है कि जड़ नहीं होती हमारी तरह, इसलिए वे बढ़ नहीं पाते, और दूसरी बात कि इन्हें हमारी तरह बढ़ना नहीं आता इसलिए वे चलते रहते हैं। और मुझे भी आश्चर्य होता है कि वो कैसे जीते हैं कि वो बढ़ नहीं पाते हैं हमारी तरह, लेकिन कैसे जीते हैं मुझे भी अभी तक इसमें आश्चर्य है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर हर पैराग्राफ में एक नए पेड़ के बारे में बताया गया है और उस पेड़ की खासियत विशेषता के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर बबूल का देखोगे तो आप, इतने में बबूल जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे। तो देखो यहाँ पर बबूल की तीन विशेषताएँ आपको पता चल गई कि उसकी उसमें से हवा जो है वो साफ होती थी, रुकती नहीं थी, और उसके तन पर यानी कि उसके शरीर पर पेड़ पर पत्तों पर कांटे थे। तो यहाँ पर आपको बबूल की विशेषता पता चल रही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बीच बीच में से। ये पूरा जो पाठ है हमारा तटस्थ, ये एक जंगल के बारे में बताया गया, जंगल के अलग अलग पेड़ हैं उनके बारे में, उनके बीच में बातचीत हो रही है, एक काल्पनिक कहानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं उनकी खासियत पता चल रही है। जैसे यहाँ पर भी आपको बबूल की खासियत पता चली, तो क्या होता है देखो, इतने में बबूल जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला दादा ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने उस भयानक वन को देखा है क्या। तो यहाँ पर देखो बबूल क्या कहता है दादा से, बड़ दादा यानी कि जो सबसे पुराना है, कहता है कि तुमने बहुत दिन देखे हैं यानी कि तुम बहुत पुराने हो चुके हो, तुम हमसे ज़्यादा पुराने हो, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है। तो देखो वो जो दोनों आदमी थे, दोनों शिकारी थे, उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर वन की बात कर रहे थे, और इन बेचारे इन मासूम जो पेड़ हैं उनको पता नहीं था कि वन होता क्या है। वन वही लोग हैं लेकिन इन्हें वन के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगा कि वन को ही बहुत खतरनाक, शेर से भी खतरनाक, बाघ से भी खतरनाक जीव होगा जिसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे थे। तो वही जो हमारा बबूल का पेड़ है वो सबसे पुराने पेड़ यानी कि बड़ के पेड़ से कहता है कि दादा क्या तुमने वन को देखा है जिसके बारे में वो दोनों बातें कर रहे थे। तो बबूल के पेड़ के बाद शीशम का पेड़ कहता है दादा हाँ सुना तो मैंने भी था वह वन क्या होता है। कि शीशम का पेड़ कहता है कि मैंने भी उन दोनों आदमियों की, जिसे आप आदमी कह रहे हैं, उनकी बात सुनी थी वन के बारे में, वह भी बता रहे थे कि वन बड़ा भयानक होता है, मैंने भी सुना है। तो इन दोनों की बातें सुनकर बड़ दादा दादा कहा गया है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही पुराना पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ है उस जंगल में। तो बड़ दादा ने कहा सच पूछो तो भाई इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। आगे क्या है, सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर चीता भालू हाथी भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। तो बड़ दादा शीशम और बबूल की बातें सुनकर कहते हैं कि मैं इस जंगल में बहुत पुराना हो चुका हूँ, मैं तुम सबसे पुराना हूँ, मैंने सारे जानवर देखे हैं, जैसे यहाँ पर शेर चीता भालू हाथी भेड़िया ये सारे जानवर देखे हैं, लेकिन मैंने वन नामक जानवर को देखा नहीं है। तो उन्हीं सब पेड़ों में से एक पेड़ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वन है वो सबसे खतरनाक, शेर से भी चीता से भी डरावना है, सबसे बड़ा जानवर है। तो देखो कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं हमारे वन, हमारे पेड़, वो नहीं जानते कि वन क्या है। जिससे हम वन कहते हैं जंगलों को, पेड़ों के झुंड को हम वन कहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वन क्या होता है। तो इस पूरे पाठ में यही बताया गया है कि नेचर जो है वो नेचर हमारे लिए है, ठीक है, हम उनके लिए नहीं है, नेचर पर हम डिपेंड है, नेचर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, प्रकृति, और प्रकृति सबसे बड़ी है, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या है, बड़ दादा ने कहा डराना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। तो बड़ दादा यानी कि जो बड़ का पेड़ रहता है वो कहता है कि तुम उसे डरावना क्यों कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है यानी कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी सबसे दोस्ती है। तो फिर से देखो हमें जंगलों के बारे में एक अच्छी बात बताई गई है कि जंगल सबका भला चाहते हैं, पेड़
सबका भला चाहते हैं, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते। उसके बाद बबूल कहता है, बबूल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। तो देखो यहाँ पर बबूल का पेड़ कहता है कि ठीक है, प्यार की बात नहीं है, प्रेम की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास कांटे भी है, अगर कोई दुश्मन आता है तो मैं उससे उसका सामना भी कर सकता हूँ अपने कांटों से। तो आगे वो बबूल ही कहता है, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा सो तो होगा ही होगा, आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी, वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। तो बबूल का जो पेड़ है वो कहता है कि जो वन है वो शायद शेर से चीतों से बहुत बड़ा जानवर होगा। हमने ये देखा है कि जो आदमी रहता है शेर को चीतों को आग की लकड़ी से ठीक है लकड़ी में आग लगाकर मार देता है। देखो फिर से यहाँ पर हमें आदमियों के बारे में बताया गया है, इंसानों के बारे में, कि कैसे वो अपने फायदे के लिए शेर को चीतों को यानी कि जानवरों की हत्या करता है। तो वही बबूल का पेड़ कहता है कि हमने ऐसा देखा है कि जो इंसान है वो आग की लपटों से ठीक लकड़ी पर आग लगा के शेर को चीतों को मारता है। हमने शेर को चीतों को इनको मरते हुए देखा है, इनकी लाशों को देखा है, लेकिन जरूर जो वन है वो बहुत बड़ा जानवर है, इसलिए हमने आज तक उसकी लाश को नहीं देखा। तो आगे क्या है देखो, इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उसमें से कोई नहीं जानता था, आसपास के पेड़ साल सेमर सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। तो यहाँ पर देखो पेड़ों के नाम आए हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 11वीं की टर्म एग्ज़ाम में, सेमिस्टर एग्ज़ाम में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पेड़ बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो और दूसरे नए पेड़ों की बात आ गई है। पहले तो पेड़ कौन से थे, बड़ था एक हमारा, उसके बाद है बबूल था, और एक और पेड़ था शीशम का पेड़ था, और उसके बाद कुछ नए पेड़ आए, कौन से, साल सेमर सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। नए पेड़ भी आकर बातचीत करने लगे, क्योंकि उन्हें भी दूसरे पेड़ों की खुशखुशाहट आने लगी, बातचीत की आवाज़ आने लगी, तो वो भी आ गए बात करने। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, यानी कि ये कोई नहीं चाहता था कि वन जितना भयानक जानवर हो, क्योंकि सब उससे डरते थे। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था, यानी कि जितने भी पेड़ थे उस जंगल में उनमें से किसी को पता नहीं था कि वन क्या होता है, लेकिन वो उन बात इंसानों की बातें सुनकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो शायद बहुत ही खतरनाक जानवर होगा, शेर से चीता से बाघ से उनसे भी खतरनाक जानवर होगा। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, देखो यहाँ पर फिर से बांस के पेड़ की खासियत विशेषता बताई गई है कि अगर उसमें से थोड़ी सी हवा जाती है, थोड़ी सी भी हवा अगर वहाँ जाती है तो वो टकराते हैं और खड़खड़ की आवाज़ करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और उनकी छोटी छोटी खासियत बताई गई है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखो, इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। तो बांस का पेड़ कहता है कि मैं पोला हूँ, यानी कि मैं अंदर से खोखला हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। तो बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, गंभीर वाणी यानी कि थोड़े सीरियस होके थोड़ी भारी आवाज़ में कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है, हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। तो बड़दादा कहते हैं कि क्या तुमने वन को देखा है, और तुम बताओ कि वन होता क्या है अगर तुम जानते हो तो, क्योंकि हमें जानना है वन आखिर होता क्या है। बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त रिक्त में वन वन ही कहती हुई घूमती रहती है पर ठहरती नहीं। बड़दादा ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। तो देखो यहाँ पर बांस जो था वो थोड़ा जैसे एक कहते हैं ना कि किसी को कुछ पता नहीं रहता, लेकिन तभी भी वो थोड़ा दिखाने के लिए होशियारी मारता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो बांस भी ऐसा ही कर रहा था, उसे कुछ पता नहीं था लेकिन वो दूसरी बातें घुमा फिरा कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे अंदर से हवा जाती है तो वन वन की आवाज़ आती है, झूठ बोल रहा था, उसे पता नहीं था। तो आगे देखते हैं, बड़दादा ने उधर से आँख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए, उनकी पहुँच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती हैं कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तो बड़दादा आगे कहते हैं कि हमें शायद घास से पूछना चाहिए कि वन है क्या, क्योंकि घास चारों तरफ है इस जंगल में, इस सृष्टि में चारों तरफ घास ही घास फैली हुई है, तो हमें शायद उससे पूछना चाहिए,
उसे पता हुआ कि वन आखिर है क्या। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है? तो सब कुछ सब लोग जो थे बाकी के पेड़ वो घास से पूछते हैं कि क्या तुम वन को जानती हो। घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊँचे रहते हैं, पद दल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है, जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है समझती हूँ कि यह ताकत का प्रमाण है, धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है, दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। तो जब सभी पेड़ उस घास से पूछते हैं कि क्या तुम वन को जानती हो, तो घास कहती है कि नहीं, मैं उस वन को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ लोगों की जड़ों को ही जानती हूँ, यानी कि मैं पेड़ों की जड़ों तक ही बढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मैं तो छोटी सी हूँ, मैं नहीं जानती वन को। आगे देखते हैं। दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बदला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बदला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ ना बता सके और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि किसी को अभी तक पता नहीं था कि वन आखिर होता क्या है। वन दरअसल वही है, वो पेड़ वही सब तो वन है, लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो कितने भोले थे कि वन आखिर होता क्या है। उन्हें लगा कि वन जो है वो बहुत ही बड़ा, शेर से भी बड़ा खतरनाक कोई जानवर है, तो किसी को पता नहीं था। वाग्मी वंश यानी कि बहुत बातूनी, ठीक है, जो बहुत ही बातें करता है वहाँ यहाँ वहाँ की, उसे भी नहीं पता था कि वन क्या होता है। और जो बड़दादा थे, सबसे पुराने सबसे बूढ़े, उन्हें भी नहीं पता था कि वन आखिर होता क्या है, लेकिन उन्हें जानने की इच्छा थी कि वन आखिर है क्या। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम की भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहाँ आए। पशुराज यानी कि सभी जानवर का राजा, जंगलों का राजा। कौन? सिंह यानी कि लायन। तो सिंह वहाँ पर आता है और कहता है, बड़ दादा उनसे कुछ कहते हैं, बड़ दादा ने पुकार कर कहा, वह सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई। तो बड़ दादा कहते हैं कि ओ सिंह राज, यानी कि वह सिंह, तुम बहुत पराक्रमी हो, तुम जंगल के राजा हो, जाने कहाँ कहाँ तुम रहते हो, तो तुम एक बात बताओ। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है, हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो, उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है, बताओ वह कैसा होता है। तो जो बड़दादा है उस सिंह से कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम सबके राजा हो, तुम सबसे भयानक हो, तुम सबसे ताकतवर हो, तो क्या तुम वन को जानते हो, क्या तुम्हारा कभी उससे मुकाबला हुआ है। तो शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर ना रख दूँ, मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादे ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। तो दो हमारा शेर था वो भी नहीं जानता था कि वन होता क्या है, लेकिन वो गुस्से में कहता है कि अगर वन है तो उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे अभी यहीं पर मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। आगे क्या है देखते हैं। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था, मैं अभी दहाड़ देता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने, खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। तो हमारा शेर कहता है कि मैं भी उसे जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी मेरा उससे सामना हुआ होता तो वह जिंदा नहीं बचता, क्योंकि सबसे ताकतवर इस जंगल में सारे पशुओं में मैं ही हूँ, अगर है वहाँ पर आज वन तो मैं उसे एक खुली चुनौती देता हूँ कि मेरे सामने आए, आज या तो वो जिंदा बचेगा या फिर मैं। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। तो इतनी बात कहकर वो जो सिंह रहता है वो गरजता है, ठीक है, अपनी आवाज़ निकलता है, और उसकी दहाड़ से, शेर की दहाड़ से जंगल में चारों तरफ एक ध्वनि, चारों जो दिशाएं हैं वो कांपने लगती है, यानी कि बहुत ही आवाज़ होती है, सभी डर जाते हैं। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। तो देखो उस शेर की यानी कि उस सिंह की आवाज़ से, दहाड़ से जो बड़दादा हैं सबसे पुराने वृक्ष, उनके जो पत्ते थे वो खड़खड़ाने लगे, कांपने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक चींची कर उठे, यानी कि उस बड़ के पेड़ में जो नीचे खड्ढे रहते हैं
उसमें जो शावक थे किसके शावक यहाँ पर बताया नहीं गया है, यहाँ पर खरगोश के शावक हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे जानवर के शावक, तो वो जो शावक थे वो भी ची ची करने लगे डर के मारे, चहुं ओर जैसे आतंक भर गया, चहुं ओर यानी कि चारों दिशाओं में आतंक हो गया, सब जानवर सब पेड़ डर गए थे। पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई, हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया, लेकिन उस शेर की दहाड़ का कोई उत्तर नहीं आया क्योंकि वन वही थे, वन कोई दूसरा जानवर नहीं था। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना है कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। बड़ दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदिया हो गई है, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। तो बड़ दादा कहते हैं कि आप सही कहते हैं सिंहराज, मुझे यहाँ सदिया हो गई है, सालों हो गए हैं, मैंने अगर वन होता, वन जैसा कोई खतरनाक जानवर होता तो वो जरूर दिखता, लेकिन वन होता नहीं है। आप जो हैं सिंहराज सबसे महान हैं, आप ही सबसे बलवान हैं, आपसे बलवान और कोई नहीं है। पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यही मेरी छाह में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि वे बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो जो बड़ और बाकी के जानवर थे वो आपस में बातें करने लगे, लेकिन जो आदमी रहते हैं कौन, दो जड़ वाले, देखो यहाँ पर बताया गया है, पर वे दो शाख पर यानी कि दो पैरों पर चलने वाले आदमी वन के बारे में बता रहे थे। और बड़दादा कहते हैं कि ऐसा मुझे लगता है कि वे हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है, उसको मुंह मारकर खा डालो तब वह अच्छा है, नहीं तो उनका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी गात बात में धोखा है। तो देखो यहाँ पर आज के जीवन के बारे में बताया गया है, आज का इंसान कैसा है उसके बारे में इस पैराग्राफ से बताया गया है कि आदमी जो है वो सामने सामने बहुत अच्छा है लेकिन पीठ पीछे बुराई भी करता है। तो यहाँ पर क्या कहता है सिंह यानी कि जो शेर है वो क्या कहता है, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है यानी कि बहुत ही शातिर जीव है, उसके पास दिमाग है जो हमारे पास नहीं है, उसको मुँह मारकर खा डालो तब वह अच्छा, यानी कि उसे जिंदा खा जाओ, उसे बात करने का, उसे फरियाद करने का मौका नहीं देना चाहिए, उसे तुरंत मार के खा जाओ तब अच्छा है, अगर तुमने उस पर भरोसा कर लिया तो वह तुम्हें मार देगा, ये यहाँ पर कहा गया है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिपकर रहते हैं, वे मुँह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिपकर रहता हो। तो बड़दादा के बाद जो दूसरे सब जानवर थे और पेड़ वगैरह थे वो कहते हैं कि सिंह तुम बहुत ही बलवान हो, और जो छोटे जीव जंतु यानी कि जो छोटे जानवर हैं वह तुमसे डर कर रहते हैं, छिप कर रहते हैं, और शायद जो वन है वो भी तुमसे डरता हो इसलिए छुपा रहता है, दिखता नहीं कभी, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है, इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए, रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा, हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं इसलिए हम बेचारे क्या जाने। तो आखिर में क्या होता है कि सभी जो लोग रहते हैं वो सांप से पूछना चाहते हैं कि पेड़ क्या होता है, सांप से पूछते क्यों हैं, क्योंकि सांप बिल में रहता है, अपना जो मुंह है वो अंधेरे में रखता है, तो शायद सबको ऐसा लगता है कि वो जानता हो वन के बारे में, तो सब उससे पूछना जानते हैं। तो शेर कहता है, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है, जब तक मैं हूँ कोई डर ना करो, कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है। तो यहाँ पर देखो शेर को भी अपनी ताकत पर घमंड होता है और वो क्या कहता है कि जो मैं कहता हूँ वही सच है, मुझ पर अगर कोई शक करेगा मेरी बातों पर तो वो ठीक नहीं होगा उसके लिए, जब तक मैं हूँ तब तक किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, कैसा सांप, क्या वो सांप मुझसे ज़्यादा जानता है। बड़ दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा, बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुँह नहीं खोला, अंत में जमाही लेकर मंदर गति से सिंह वहाँ से चला गया। तो सिंह की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सिंह से सब डरते थे, क्योंकि सिंह जंगल का राजा है और सबसे बलवान है, और अंत में जमाई लेकर सिंह भी वहाँ से चला जाता है। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। तो ऐसे में ही जब नागराज यानी कि सांप की बात हो रही थी, सब लोग चर्चा कर रहे थे कि सांप से पूछना चाहिए, तो इसी बीच जो नागराज हैं यानी कि नागों के राज सांप,
वो उन्हें दिख गए। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा ओ बड़ दादा, वह जा रहे हैं सर पर आज, ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठोर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। तो यहाँ पर सभी अब उस सांप से पूछना चाहते हैं कि क्या वो जानता है उसके बारे में, वन के बारे में। बड़ दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचलता नहीं चाहिए। तो बड़ दादा भी सांप से कुछ पूछना नहीं चाहते, क्योंकि वह शाम को मौन धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि इस समय ज़्यादा बातचीत नहीं होनी चाहिए। बबूल झक्की ठहरे, बोले, बड़ दादा सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है, यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। तो बबूल बड़ दादा को समझाता है, उनसे एक जिरह करता है कि उसे पूछिए सांप से, क्योंकि सांप बहुत ज्ञानी है और ज़मीन से चिपट कर रहता है, ज़मीन से चिपका हुआ रहता है, तो ज़रूर वो जानता होगा उस वन के बारे में। बड़ दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह समय क्या है। सांप ने आश्चर्य कहा, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं। तो यहाँ पर बड़ दादा गंभीर वाणी में उस सांप से पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि वन आखिर है क्या, वो रहता कहाँ है और वो दिखता कहाँ है। तो सांप जो है हमारा, उसे भी पता नहीं था कि वन आखिर होता क्या है, तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि वन ये कौन सा जंतु है, ये कैसा कहाँ रहता है, मुझे भी नहीं पता। बड़ दादा ने कहा, हम को ही उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं, जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। तो वही यहाँ पर बड़ दादा कहते हैं कि हमें वन के बारे में जानना था और हमें ऐसा लगता था कि तुम बताओगे कि तुम जानते हो वन के बारे में, क्योंकि तुम टेढ़े मेढ़े कहीं भी चल जाते हो, कहीं भी जहाँ भी छिद्र, जहाँ भी छेद दिखता है तुम वहाँ पर घुस जाते हो, तो हमें ऐसा लगा कि तुम्हें पता होगा। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है, मेरा वैसी ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। तो सांप भी क्या कहता है कि मैं धरती की सारी गहराई को जानता हूँ, यानी कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो वन है वह कोई काल्पनिक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। बड़ दादा ने कहना चाहा कि तो वन, सांप ने कहा, वह फर्जी है, यह अगर वह आगे बढ़ गए तो। बड़ दादा कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन सांप क्या कहता है कि वन जो है फर्जी है, इतना कहकर जो सांप है वहाँ से आगे चल जाता है। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उनमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया गया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है, उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। तो देखो, सभी जो पेड़ थे, सभी जानवर थे, आपस में बातें बीते करते हैं कि वन क्या है, लेकिन वन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ज्ञानी जो है सब है, अज्ञानी कोई नहीं, सभी को अपना अपना ज्ञान है, लेकिन वन के बारे में कोई जानता भी नहीं। और अंत में जब किसी को नहीं पता है कि वन आखिर है क्या, तो अंत में सभी एक फाइनल डिसीजन पर पहुँचते हैं कि जो दो टांगों वाला आदमी है वह झूठा है, वह झूठ कह रहा है। आगे देखते हैं, उस निश्चय के समय बड़ दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो, इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है, बताएं तो बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ देंगे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है, यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। लेकिन बड़दादा की यहाँ विशेष चली नहीं, जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के ना होने का फैसला पास हो गया। तो देखो, यही यहाँ पर क्या है कि जो जवान यानी कि जो नए पेड़ थे वो कहते हैं कि ये पुराने पेड़ बूढ़े हो गए हैं, इन्हें वन का डर है और खामखा झूठ में ही इन्हें वन का एक डर खाया जा रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फाइनल डिसीजन सभी ने क्या लिया था
कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो हमारे बड़ हैं, सबसे पुराने पेड़ हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अगली बार जब आदमी आएंगे तब हम उनसे वन के बारे में पूछेंगे, लेकिन जो नए पेड़ थे, जवान थे, यहाँ पर जवान की संज्ञा दी गई है, तो जो जवान थे वो कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, इन्हें खामखा यानी कि इन्हें झूठ में ही डर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। एक रोज आफत के मारे यानी कि शायद तूफान आया होगा या फिर बारिश हो गई होगी, यानी कि कुछ उन्हें जल्दी होगी, विश्राम करना होगा, तो जो वो दो शिकारी थे फिर उसी जगह पर आते हैं। उनका आना था कि जंगल जाग उठा, यानी कि जंगल के सारे पेड़ सतर्क हो गए उनसे सवाल जवाब करने के लिए। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा, उन्होंने अपनी बंदूकें संभाल ली। तो जैसे ही वो दोनों आदमी, दोनों शिकारी वहाँ पर आते हैं, तो सभी जो जानवर हैं, पेड़ हैं, वो तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए। तो जो दो आदमी थे उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जान को खतरा है, संकट है, तो वो अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। बरदाता ने बीच में पकड़ कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो, इन आदमियों के ख़त्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। तो बरदाता बाकी के पेड़ों से कहते हैं कि तुम अधीर इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, अगर हम इन आदमियों को मार देंगे तो हमारा फैसला ऐसे ही रहेगा, हमें पता नहीं चला कि वन क्या है, ये सिर्फ उन आदमियों को पता है कि वन होता क्या है। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है, मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बरदादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। तो पोली चीज़ों यानी कि बंदूक को कहते हैं कि इस बंदूक को नीचे रखो जिसमें तुम आग भरते हो, यानी कि जिससे तुम लोगों को मारते हो, जानवरों को मारते हो। पोली यानी कि देखो, पोली मतलब खोखला होता है, बंदूक खोखली नली की तरह होती है, तो वही जो बरदादा कहते हैं कि तुम इस बंदूक को नीचे करो। डरो मत, अब यह बताओ कि वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वह कहाँ है। तो बरदादा कहते हैं कि तुम अपनी बंदूक नीचे रखो और डरो मत हमसे, और सिर्फ एक सवाल है हमारा कि वन क्या होता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में हमें बताओ। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। तो वो जो दो आदमी हैं ये सब बातें सुनकर थोड़े शांत होते हैं और कहते हैं कि जहाँ हम सब खड़े हैं, तुम सब, यही तो वन है, यही तो जंगल है। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे, तो उनकी इसी बात पर सभी लोग एक साथ ही सवाल करने लगे, वन यहाँ कहाँ है, कहीं नहीं है, तुम हो, मैं हूँ, वन है, वन फिर हो कहाँ सकता है, तुम झूठे हो, धोखेबाज, स्वार्थी, ख़त्म करो इनको। आदमी यह देख कर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बरदादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित हो गए तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। तो देखो आदमियों की ये बातें सुनकर, जब आदमी कहते हैं कि तुम ही लोग तो वन हो, लेकिन हमारे जो वन हैं, पेड़ हैं, उन्हें ये पता नहीं कि वन हम ही हैं, तो वह कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम स्वार्थी हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो सच सच बताओ वन क्या है, उसके बारे में जानकारी दो। तो उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वहीं तो वन हैं। तो वो जो दो आदमी थे उसमें से जो मेन आदमी रहता है, मेन शिकारी, वो कहता है विस्मय से, यानी कि थोड़ा आश्चर्यचकित होकर और थोड़ा डरा डरा कहता है कि हम जो खड़े हैं जहाँ पर तुम हो, हम हैं, यही वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तो बबूल का पेड़ कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, ये वन थोड़ी है, ये बबूल का पेड़ है, ये सीरस का पेड़ है, ये साल का पेड़ है, वह घास है, वह पानी है, वह जानवर है, लेकिन वन कहाँ है वो बताओ, ये सब तो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तुम जिनकी छाँव में वो हमारे बरदादा हैं, तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं, तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। तो हमारा जो शिकारी था वह फिर से कहता है कि तुम जो हो वही वन है, तुम सारे मिलकर ही वन हो। इस पर गुस्से से भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो जो सारे जानवर थे वो कहते हैं कि तुम बात पलटो मत, ठीक ठीक बताओ, सही से बताओ कि वन आखिर है क्या, अगर तुम झूठ बोलते हो तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी खैर नहीं है। अब आदमी क्या कहे, परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे।
तो आदमी जो थे वो निराश होने लगे कि हमारी बातें इन्हें समझ में नहीं आ रही है। अब उन्हें अपनी जान का डर लगने लगा था। अपनी मानवीय बोली, अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे, एक ने कहा, अपनी मानवीय बोली यानी कि वो दोनों आपस में बातें करने लगे। अभी तक वो पेड़ों से अलग भाषा में बात कर रहे थे, अब वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो एक शिकारी कहता है, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किनसे पाला पड़ गया है। दूसरों ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तो एक बोलता है शिकारी कि या तुम इसे झूठ झूठ बोल दो ना कि वन है नहीं, अगर हम इन्हें यही समझाते रहेंगे तो ये समझ में नहीं पाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। तो जो दूसरा शिकारी है वो कहता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं कहा जाएगा, ये बहुत खतरनाक है पेड़, ये हमारी जान ले लेंगे। तो क्या मरोगे, सदा कौन जिया है इसमें, इन भोले प्राणियों की भुलावे में कैसे रखूँ। तो देखो हमारा जो शिकारी है वो कहता है कि तुम क्या मरोगे अगर तुम इसे बताओगे नहीं कि वन है ही नहीं, वन के बारे में तुम इसे अच्छे से बताओगे नहीं, झूठ नहीं बोलोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। तो फिर दूसरा जो हमारा शिकारी है वह कहता है कि हमेशा कौन जिया है, यानी कि अमर कौन है, सब तो मरते ही एक बार, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूँ, यानी कि जो भोले प्राणी हैं, भोले हमारे जीव जंतु, भोले पेड़ हैं, इन्हें मैं झूठ कैसे बोलूँ। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वही वह। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर बढ़ने लगी, क्या कहा मैं वन हूँ तब बबूल कौन है। तो जो उन दोनों शिकारियों में से प्रमुख था वह कहता है कि भाइयों मेरे वन भाइयों, ये जो वन है एक कहीं दूर नहीं है, तुम सभी वन हो। तो ये बात सुनकर फिर से जो हमारे पेड़ वगैरह थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या कहा मैं वन हूँ, यानी कि मैं वन हूँ तो फिर बबूल कौन है, झूठ, क्या मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूँ, मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूँ, और मैं घास और मैं शेर और मैं सांप। तो यही सब बातें वो कहने लगे। वो जो हमारे जानवर थे और जो पेड़ थे वो अभी जानते नहीं थे कि वही हैं वन, तो क्या कहते हैं कि क्या मैं वन हूँ, नहीं नहीं मैं वन थोड़ी हूँ, मैं तो घास हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं तो बाघ हूँ, मैं तो बबूल का पेड़ हूँ, वन नहीं हूँ मैं। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई, बड़दादा न हो तो आदमियों का वहाँ काम तमाम था। तो ऐसे ही जो सारी बातें हो रही थी, जो सारे जानवर थे, सारे पेड़ थे, उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो चुके थे, लेकिन जो हमारे बड़दादा थे, थोड़े अनुभवी थे, थोड़े बुजुर्ग थे, अगर वो नहीं होते तो सारे पेड़ सारे जानवर उन आदमियों को मार ही देते थे। बड़दादा ने कैसे उन्हें समझाया, उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बात हुई कि वह कोई नहीं सुन सका। बातचीत के बाद पुरुष इस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया, वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा, पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसे मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। तो जो बड़ का पेड़ था और वो आदमी थे, दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे, इतने धीरे बातें कि दूसरों को नहीं सुनाई दे रही थी। तो जो एक आदमी था वो बड़ के पेड़ पर चढ़ता है और कुछ कहता है उसके बड़ के कान में। वन के प्राणी सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उसमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे, उनके तन मन में लालिमा व्याप्त गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है खंड कहाँ है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ने ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी, वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई। उस समय सब और सब प्रश्न मौन व्याप्त था, उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा। तो देखो वो जो दोनों आदमी थे बड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं और कुछ बड़ को बातें बताते हैं। तो बड़दादा कहते हैं वह है, कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है वह है, कहाँ है कहाँ है, सब कहीं हैं और हम नहीं हैं, वह है। तो बड़दादा कुछ कह नहीं पाते हैं, सिर्फ वह इतना ही कहते हैं वह है वह है। तो बाकी लोग पूछते हैं कहाँ है कहाँ है, तो बड़दादा कहते हैं सब कहीं हैं सब कहीं हैं। तो इसके आगे हमारा ये पाठ ख़त्म हो जाता है। तो इसमें बताया क्या गया है, आप में से बहुत लोगों को जिन्होंने ध्यान से इस पाठ को पहले से भी पढ़ा होगा और अभी इस वीडियो को देखा तो समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या बताया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आया नहीं होगा कि इस पाठ में आखिर है क्या। तो देखो इस पाठ में सबसे पहले तो हमें जंगलों का महत्व बताया गया है
और ये बताया गया है कि जो जंगल है यानी कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो सबसे बड़ी है। हम नेचर के गुलाम हैं, हम उसके सेवक हैं, वो नहीं। और नेचर हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती, वह स्वार्थी नहीं है हमारी तरह। और यहाँ पर इंसानों के बारे में बताया गया है कि इंसान सामने सामने लोगों के सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे जान लेने से, बुराई करने से पीछे नहीं हटते, आदमी बड़े झूठे होते हैं। ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आदमी बहुत झूठे होते हैं। और बाकी पेड़ों की विशेषता बताई गई है कि पेड़ क्या होते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो यही हमारा पार्ट है। इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये पार्ट। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, जिससे मैं आगे के वीडियोज़ में सुधार कर सकूँ। मिलते हैं किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।